नमस्कार, न्यूज़ क्लिक में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकुंद और अभी हम मौजूद हैं सीकर में। सीकर में भी जो नव निर्वाचित सांसद हैं अंबा राम जी, उनके घर पर इस लोकसभा चुनाव में कई चौंकाने वाले नतीजे आए और ख़ास तौर पर कई ऐसे लोग संसद पहुंच रहे हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन सड़क पर संघर्ष करते गुजारा। राजस्थान में भी सीकर लोकसभा में एक ऐसे ही उम्मीदवार हैं अमरा राम, जो कि अपने छात्र जीवन से ही छात्र मुद्दों पर संघर्ष करते रहे हैं। उसके बाद किसान आंदोलन, कई बड़े किसान आंदोलन लड़े और लगभग जितने भी आंदोलन इन्होंने लड़े लगभग सभी जीते। इनसे हम आज समझने की कोशिश करेंगे इनका राजनीतिक में जुड़ाव कैसे हुआ, खास तौर पर जिस CPM पार्टी से ये हैं, और इनका इस चुनाव को लेकर क्या अनुभव रहा है और संसद में किस तरह से अपनी भूमिका देखते हैं। अमरा राम जी, आपका न्यूज़ क्लिक में स्वागत है। सबसे पहले तो ये जो चुनाव नतीजे आए हैं आपके इलाके में और देश भर, इस चुनाव परिणाम को और अपने चुनाव को आप कैसे देखते? भारतीय जनता पार्टी 2014 में जो वायदे करके देश की जनता से 30 साल के बाद एक पार्टी को बहुमत दिया था, एक भी वायदा पूरा करने के बजाय 10 साल का जो कुशासन था उसमें किसान पे, मजदूर पे, नौजवान पे, आम व्यापारी पे, आम जनता पे कुशासन के काले कानून लादने का काम किया और बड़ी बड़ी कंपनियों को मालामाल करने का काम किया। आप देख रहे हैं कि इसका पूरा रिजल्ट जो ऐतिहासिक किसान आंदोलन हुआ, निश्चित रूप से इस 10 साल में नरेंद्र मोदी की सरकार को कोई 3 कदम पीछे खिसकाने का काम किया है, चाहे समय 1 साल से ज़्यादा लगा हो, लेकिन वो काले कानून वापस लेने के लिए मजबूर किया और देश के सुई से लेके हवाई जहाज तक बनाने वाले मजदूर के संघर्ष के माध्यम से जो 44 कानून मजदूरों के हक में बनाने का काम किया था उनको भी समाप्त करके 4 मजदूर संहिताएं बनाने का काम किया। लेकिन इस संघर्ष देश की आज़ादी के इस 8 दशक में केवल और केवल पहला ऐतिहासिक आंदोलन है जिसमें किसान मजदूर ने लड़े। किसान बहुत फोर फ्रंट पे थे इसलिए कानून वापस हुए, लेकिन मजदूरों के समाप्त कानून वापस रिस्टोर नहीं हुए। लेकिन इस बात के लिए मैं कह सकता हूं उनको धन्यवाद है मजदूरों को कि आज तक भी वो मजदूर संहिताएं लागू नरेंद्र मोदी स्पष्ट बहुमत से भी ज़्यादा 303 होने के बाद में भी लागू नहीं कर पाए। मोदी को बैसाखियों पे खड़ा करने का काम किया है। मैं समझता हूं ये संघर्ष और आगे बढ़ेगा उन नीतियों का जिससे अमीर और अमीर होता गया और गरीब और गरीब और कर्जदार होता गया, इसी का नतीजा। और ये संघर्ष जो राजनीतिक संघर्ष में परिणित हुआ है निश्चित रूप से वो सड़क से संसद तक भी आगे बढ़ेगा। अमर राम, जैसे आप इस इलाके में तो क्योंकि बहुत लंबा आंदोलन आपका रहा है और आप लोग लड़ते रहे तो यहाँ आपके बारे में सब लोग उस तरह से परिचित है, लेकिन जिस तरह से इस पर लोकसभा चुनाव में आप जीते हैं, आप दिल्ली जा रहे हैं क्योंकि फाइनली बहुत चुनावों में आपके नारा आ रहा जो अमरा दिल्ली जाएगा, फाइनली आप दिल्ली पहुँच रहे हैं, तो बहुत सारे लोग ये जानना चाहेंगे जो आपके जीवन का संघर्ष, क्योंकि आप छात्र जीवन से ही आंदोलन से जुड़े रहे, फिर किसान आंदोलन से लंबे समय जुड़े रहे, तो आपका जुड़ाव संघर्ष से कैसे हुआ और आप इस संघर्ष में कैसे शामिल हुए? असल बात यह है कि मैं तो एक गांव में गरीब किसान के परिवार में जन्मा हुआ व्यक्ति था। मैं 9th में यहाँ पढ़ने के लिए आया गाँव में, 8वीं तक की मिडिल क्लास तक की एजुकेशन लेने के बाद, तो निश्चित रूप से विद्यार्थियों के बीच में जो समस्याएं थी, फीस नहीं थी, स्कॉलरशिप नहीं थी, एडमिशन नहीं होते थे, वो संघर्ष मैंने स्कूल से स्टार्ट किया और कॉलेज में संघर्ष करते हुए छात्र संघ का अध्यक्ष बना। और कामरेड त्रिलोक सिंह जो आज़ादी से पहले भी संघर्ष में थे उनका दिशा निर्देश मिला और उनके पचनों पर चलते हुए 78-79 में छात्र संघ जो सीकर कल्याण कॉलेज सबसे बड़ा छात्र संख्या में सबसे बड़ा था उसका छात्र संघ का अध्यक्ष बना। और उसके बाद लगातार ये कोशिश रही कि किसानों के बीच में जाने के बाद दो दफे सरपंच रहते हुए उसी संघर्ष को, आम जनता के संघर्षों को लड़ा और लड़ने का ही नतीजा था कि दो दफे सरपंच रहते हुए राजस्थान की विधानसभा में लोगों ने चुन के भेजा और लगातार 4 दफे 20 साल तक सड़क से लेके विधानसभा तक वो संघर्ष किया। सरकारें नहीं मानी तो जनता को साथ लेकर सरकारों को झुकाकर जनता को जीत दिलाने का काम किया और वही संघर्ष का नतीजा है कि अभी जो लाल लाल लहराएगा और हमारा दिल्ली जाएगा वो सपना भी निश्चित रूप से पूरा किया है। तो अभी पूरे देश के किसान और आम जनता के उन नीतियों के खिलाफ जो संघर्ष, ऐतिहासिक संघर्ष जो पिछले 5 साल में हुआ है जिसमें किसान मजदूर आम जनता ने सहयोग किया है,
निश्चित रूप से वो उस देश की संसद में भी गूंज सके, सड़क से लेके। मैं यही कहना चाहूँगा तमाम देश के उन मतदाताओं को और विशेष तौर से सीकर संसदीय क्षेत्र के मतदाताओं को कि जिस आशा और विश्वास के विश्वास जो मत के माध्यम से दिया है, मैं उनको तमाम को विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी हक और अधिकारों की संघर्ष सड़क से लेकर संसद तक कहीं ज़्यादा ताकत के साथ संघर्ष को आगे बढ़ा पाएंगे और उन समस्याओं का काले कानून को उनको समाप्त करने के लिए आंदोलन और जनता के हक में इस देश का बजट 90% जनता के पक्ष में हो, न केवल बड़े बड़े नेता और कंपनियों के पक्ष में। आप देखेंगे कि इंडियन एयरलाइंस को बेच करके एक प्रधानमंत्री के लिए हवाई जहाज खरीदना, इस एग्जिट पोल के माध्यम से भी बड़ी बड़ी कंपनियों को मालामाल करना और आम निवेशक को लूटना, ये जो काम किया है, मैं समझता हूँ इनके खिलाफ जो संघर्ष है उसको और किस तरह से हम आगे बढ़ा सकते हैं सड़क से लेकर संसद तक, मैं समझता हूँ इस मत का उपयोग इसमें करने का काम करेंगे। सवाल यहाँ, जैसे आंदोलन तो बहुत होते हैं देश में, बहुत सारे हुए, लेकिन आपने ये वाम आंदोलन को ही क्यों चुना? क्योंकि आप छात्र राजनीति से SFI से जुड़े, जो कि CPM का एक छात्र विंग है, उसके बाद आप अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में या उसके साथ मिले कई बड़े आंदोलन लड़े और जीते भी, तो आपने यही विचारधारा या इसके संपर्क में आप कैसे आए और इससे कैसे प्रभावित हुए और पूरा अभी तक का आपका अनुभव कैसा है इसमें? पूरे समाज की जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान कहीं है तो केवल यही एक विचारधारा है जिसमें समाधान है। जहाँ एक्सट्रीम पूंजीवाद है, मिक्स पूंजीवाद है, वो समस्याओं का समाधान नहीं, थोड़ा रिलीफ दे सकती है, लेकिन संपूर्ण रूप से जो आर्थिक असमानता है, सामाजिक असमानता है, उसको कोई मिटा सकता है तो केवल ये एक ही विचारधारा है, वो मार्क्सवादी विचारधारा है जो समाज को हर समस्याओं से समाधान का एक रास्ता देता है। और उसका उदाहरण हमारे देश के राजनेता पूंजीवादी नेता ये देते रहे हैं कि देश में आबादी बहुत है इसलिए विकास नहीं हो रहा, लेकिन हमारे पड़ोस में ही चीन जिस जो हमसे ज़्यादा आबादी वाला था, हमसे 2 साल बाद में आज़ाद हुआ, लेकिन जो विकास में और मानव की समस्याओं को जिस तरह से समाधान किया, ये सबसे बड़ा उदाहरण हमारे बीच में है। तो निश्चित रूप से एक ही विचारधारा है जो सामाजिक और आर्थिक असमानता को मिटाकर समाज की हर समस्या का समाधान पेश करता है, मैं समझता हूँ इसीलिए छात्र जीवन से लेकर आज तक, जबकि राजनीतिक प्रतिबद्धताएँ अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए जिस तरह से बदलते हैं, 4-4 दफ़े 3-3 दफ़े मुख्यमंत्री रहे हुए, बहुत बड़े नेता केंद्र में मंत्री रहे हुए, अपना ईमान रात रात में बदल देते हैं, तो ये मैं समझता हूँ कि वो स्वार्थ की राजनीति है और ये समाज के कल्याण की राजनीति है। इसलिए मैं इससे जुड़ा भी और मैं समझता हूँ आखिरी सांस तक भी मेरा प्रयास यही होगा कि जनता को अपनी ताकत, जनतंत्र में वो ताकत का एहसास कराना और उस ताकत से सरकारों को झुकाना। मैं समझता हूँ कि मैं तो 2021 तक जो ऐतिहासिक आंदोलन चला उसमें कोई MLA भी नहीं था, MP भी नहीं था, लेकिन जनता की ताकत पे उस तानाशाह मोदी सरकार को देश के अन्नदाताओं से माफ़ी भी मांगनी पड़ी और अपने बहुमत के बल पे काले कानून किसानों के खिलाफ जो पास किए थे उनको वापस लेना पड़ा। ये बात अलग है कि उसने लिख कर के MSP की गारंटी के लिए दिया था, बिजली कानून जो जनता के खिलाफ है उसको वापस लेने के लिए लिख के दिया था, वो 2.5 साल के बाद में भी एक कदम भी आगे नहीं बढ़े। आपने जैसे अपनी बातचीत में कहा कि राजनीतिक प्रतिबद्धताओं के चक्कर में सत्ता के लिए लोग अपने राजनीतिक प्रतिबद्धताएं बदल रहे हैं, तो इस चुनाव में जिस तरह से आप जहां रहते हैं, जहां से चुनाव लड़ते हैं, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा का, आपका सीधा संघर्ष कांग्रेस से ही रहा है, चाहे आपकी जीत हो उस कांग्रेस के खिलाफ रही, चाहे आपकी हार हो कांग्रेस के खिलाफ रही है, तो अब ऐसे में इस चुनाव में जब आप उनके साथ मिलके लड़े, तो कई लोग ये भी सवाल उठाएंगे आप पर भी, जो आपने भी राजनीतिक सिद्धि या सत्ता प्राप्ति के लिए या सत्ता की हिस्सेदारी के लिए आपने समझौता किया। ऐसा है कि जो राजनीतिक परिस्थितियाँ आज़ादी के बाद जो राजनीतिक परिस्थितियाँ देश में आई है, आप देखेंगे कि देश की जंगे आज़ादी के दौरान ये जो भारतीय जनता पार्टी जो RSS का एक राजनीतिक विंग है, जो पूर्ण रूप से अंग्रेज़ों के पक्ष में थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ थी, वो सांप्रदायिक और कॉरपोरेट प्रस्त राजनीति आज जिस मुकाम पे पहुंची है, मैं समझता हूँ 14 और 19 में अलग अलग सब वामपंथी धर्मनिरपेक्ष दल लड़े तो
उसका नतीजा था कि 37% वाला तो राज कर रहा है और उससे ज़्यादा वोट वाले सामने बैठे हुए हैं। तो निश्चित रूप से ये पूरे दो चुनावों के बाद जितने भी वामपंथी धर्मनिरपेक्ष दल थे उन्होंने इंडिया गठबंधन बनाया और इस संघर्ष जो किसान मजदूर का संघर्ष था वो इस बात का लिए प्रेरणा उन राजनीतिक दलों को भी दी कि सब मिलके लड़ेंगे जब इस तानाशाह को हटा पाएंगे, क्योंकि देश के संविधान को समाप्त करने का, शोषित पीड़ित को जो संविधान ने अधिकार दिए थे उनको समाप्त करने की ओर जो बढ़ रहे थे, और जो नारा इस चुनाव में दिया था कि 400 पार का मतलब इस देश के संविधान को तहस नहस करके मनुस्मृति को वापस लागू कर दें, 100 साल पहले वाली स्थिति, आर्थिक और सामाजिक स्थिति को वापस पैदा कर दें। इसलिए राजनीतिक स्वार्थ के लिए नहीं, देश के संविधान और देश की एकता को बचाने के लिए तमाम दल एक आए हैं। और इससे पहले भी 1975 में इमरजेंसी लगी थी तो वो तमाम ताकतें जो जनतंत्र पसंद थी वो निश्चित रूप से आई और जनतंत्र को बचाया और देश को बचाया। तो जब जब भी देश पे संकट आया है, संविधान पे संकट आया है, जनता के अधिकारों पे संकट आया है, तो तमाम वो दल जो अलग अलग मान्यताएं रखते हैं वो आए। किसान मजदूर में भी आप देखेंगे 500 से ज़्यादा संगठन थे जिनके झंडे अलग थे, डंडे अलग थे, लेकिन समस्या एक थी। तो सब मिलके लड़े ना, सब मिलके लड़े तो काले कानून वापस लेने पड़े। अब से सब लड़के राजनीतिक दल जो देश के पक्ष में हैं, देश के संविधान और एकता के पक्ष में सब मिलके लड़े, तो मोदी जी जो अकेले 370 लेने की बात कर रहे थे, NDA 400 पार की बात कर रहे थे, अब बैसाखियों पर आ गए। अब जो दो बैसाखियाँ हैं वो कब उनको ज़मीन पे ला देगी, ये सब मिलके लड़े हैं। इसलिए राजनीतिक स्वार्थ के लिए नहीं, देश के स्वार्थ के लिए ये गठबंधन किया है और मैं समझता हूँ इसका जनता ने जो समर्थन दिया और विशेष तौर से वो इलाके जो इस किसान आंदोलन में सबसे ज़्यादा अग्रणीय थे, UP में तो 80 में से 80 की बात कर रहे थे, राजस्थान में 25 की 25 बात कर रहे थे, हरियाणा में 10 की 10 दोनों दोपहली थी ये कर रहे थे। अब दिखा दिया 25 में से 11 इंडिया गठबंधन है, वहाँ हरियाणा में 10 में से 5 50 कर दिया ना, और यूपी में जो 80 की 80 की बात कर रहे थे वो कहाँ स्थिति आप देख रहे हैं, पंजाब खाता ही नहीं खुला। तो ये स्थिति मैं समझता हूँ जो संघर्ष में आए हैं उन्होंने जो शिक्षा प्राप्त की है संघर्ष के माध्यम से वो राजनीति में भी परिणित होने का काम अज्ञायी रूप से हुआ है, आंदोलन चलते हुए नहीं हुआ, आंदोलन के जस्ट बाद विधानसभा के चुनाव में नहीं हुआ, लेकिन जो देश की सरकार जो हमला कर रही थी तो इस देश के संसदीय चुनाव में जो रिफ्लेक्शन आया है मैं समझता हूँ ये आगे बढ़ेगा। जब तक वो नीतियाँ नहीं बदलेगी जब तक ये संघर्ष भी आगे बढ़ने से नहीं रुक पाए। अब जैसे आपने कहा किसान आंदोलन की बात, इस इलाके में बहुत बड़ा किसान आंदोलन भी रहा और आपके क्षेत्र में कई ऐसी गंभीर समस्याएं हैं जिस पर काम होना बहुत ज़रूरी है, तो आप जब सांसद बन के जा रहे हैं दिल्ली तो ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जिस पर आपकी पहली प्राथमिकता होगी सरकार उस ओर ध्यान दे और सरकार का ध्यान आकर्षण कोई नीति बदलाव करके या कोई लेके आएंगे, कौन सी बड़ी समस्या है जिस पर सबसे बड़ी समस्या यहाँ है पीने के पानी की, दूसरी है जो पूरे देश के लिए जवान के लिए और देश की सुरक्षा के लिए जो अग्निवीर है, ये ऐसी समस्याएं हैं जिनके समाधान मैं समझता हूँ समाधान करना ही पड़ेगा। आज़ादी के 8 दशक बाद भी पीने के पानी के लिए तरसते हैं लोग, खरीद के पानी पीने के लिए, वो भी शुद्ध पानी नहीं मिलता है, तो निश्चित रूप से पहली प्राथमिकता है कि लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो और अग्निवीर जैसी जो देश के जवानों के साथ देश की सुरक्षा के साथ जो सबसे बड़ा विश्वासघात इस नरेंद्र मोदी की तानाशाह सरकार ने किया है वो कानून वापस हों और जितने भी काले कानून हैं मैं समझता हूँ उनके खिलाफ जो संघर्ष है वो आगे बढ़ेगा। बहुत से लोग कहते हैं कि आप सरकार में नहीं है, सरकार वही चाहे बैसाखियों की हो लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बनती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन काले कानून भी तो 303 वाली भारतीय जनता पार्टी ने पास किए थे, कोई बहुमत तो छोड़िए प्रतिपक्ष के नेता का पद भी 10% का नहीं था लेकिन उस सरकार को झुकाया। जनतंत्र में जनता की ताकत सर्वोपरि है, ठीक है संसदीय प्रणाली में संसद और विधायकों की भूमिका है लेकिन अगर जनता खड़ी होती है और जब जनतंत्र पर हमला होता है तो सड़कें जब सूनी होती है जब भी होता है और जब सड़कें गुलजार होती है तो निश्चित रूप से आगे बढ़ने का काम होता है और यही रास्ता मैं समझता हूँ सबसे मुफीद रास्ता है जो जनता के हक की राजनीति आगे बढ़ेगी तो निश्चित रूप से तानाशाहों का
विनाश होने का काम हो। जैसे आप किसान आंदोलन के नेता रहे हैं बहुत लंबे समय तक, राष्ट्रीय स्तर पर भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किसान सभा के, तो एक बड़ा सवाल जो देश भर में दिख रहा है और इस इलाके में भी आपको अगर दिखता ही होगा, जो युवा है बड़ी संख्या में किसानी से दूर जा रहे हैं, तो ऐसा क्या हुआ है इतने सालों में जो किसानी से लोग बड़ी संख्या में छोड़ रहे हैं, खासकर युवाओं के लिए? 90 से लेकर जो नीतियां लागू की है, किसान की खेती को घाटे का सौदा करके उसको मजदूर के हालत में ले जाने की जो कोशिश और नीति है वर्ल्ड बैंक और IMF की थी, उसी का नतीजा है कि संघर्ष भी उसी तेजी के साथ आगे बढ़ा है। और ये संघर्ष जब तक चलेगा जब तक वो नीतियाँ लागू है, उन नीतियों से किसान कर्जदार हुआ, नौजवान बेरोजगार हुआ और आम व्यापारी को भी तहस नहस करके बड़ी कंपनियों के फेवर में जो कानून बने हैं, मैं समझता हूँ ये कानून सब अमीर को और अमीर करने का और गरीब को और गरीब और किसान को कर्जदार। इसलिए देश का जवान आज खेती में इसलिए नहीं जाना चाहता, कौन घाटे का सौदा करना चाहेगा, कौन घाटे का व्यापार करना चाहेगा, कौन घाटे की खेती करना चाहेगा, लेकिन कोई और रास्ता बचा नहीं है। इसलिए जब तक आज भी बहुमत आबादी खेती पे निर्भर है, तो सबसे पहले खेती को लाभदायी करके फिर हम औद्योगिक विकास की ओर जाएंगे, तो निश्चित रूप से देश का विकास होगा, किसान मजदूर आम जनता का विकास होगा। अम्बानी अडानी के मालामाल होने से देश विकास नहीं करता है, देश विकास देश की जनता का विकास होगा, किसान का, मजदूर का, नौजवान का जब विकास होगा। जी एक चीज़ और, जब यहाँ हम किसान आंदोलन में आते थे, महिलाओं की भूमिका जिस तरह से होती, खासकर आप जिस आंदोलन में नेतृत्व करते रहे हैं उसमें, क्योंकि हम जानते राजस्थान जैसे समाज में महिलाओं की उतनी, लेकिन आपके आंदोलन हमेशा महिला बड़ी भूमिका में दिखती थी, तो उसका कितना प्रभाव आपके चुनाव में और आपके आंदोलन में रहा है, उसका कितना असर है? बहुत बड़ा रहा है, और आधी आबादी किसान और मजदूर महिलाएं, उसके बिगैर कोई भी आंदोलन सफल नहीं हो सकता। आप एक पैर से दौड़ नहीं लगा सकते, दोनों पैर होंगे तो ही दौड़ होगी, और वो है पुरुष और महिला, चाहे वो किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे नौजवान है। आज बेरोजगार है तो महिला नौजवान भी बेरोजगार है और पुरुष नौजवान भी बेरोजगार है, तो सर समस्या समाज में जो आधी आबादी है उसके साथ भी वही है। तो तय रूप से अगर किसी आंदोलन को या समाज में परिवर्तन करना है तो जब भी होगा जब दोनों साथ साथ कदम मिला के चलेंगे। जैसे एक और सवाल जो आप लोग इलाके में है कई जगह, जो FR वन अधिकार कानून का सवाल जो है आदिवासियों का, या फिर जो मौसम में बदलाव आ रहा है, क्लाइमेट चेंजेस सवाल है जिससे किसानी बहुत प्रभावित होती है, क्योंकि आपके बड़े क्षेत्र में बड़े स्तर पर लोग किसान हैं, तो इन सवालों पर आप जब आप जा रहे हैं दिल्ली, तो उसमें किस तरह की नीति बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि संसद में जाकर तो नीतिगत सवालों पर ही बात करनी है। नीतिगत मैं समझता हूँ, लेफ्ट का जब 61 MP थे तो निश्चित रूप से जो मूल निवासी थे, आदिवासी कहते हैं जिनको, सबको जो जमीन जो होता था उसका हक मिला, लेकिन उसको नहीं मिला था। उस ताकत से कानून तो बन गया लेकिन इम्प्लीमेशन नहीं हुआ। इम्प्लीमेशन वहीं हुआ जहाँ लेफ्ट की सरकार त्रिपुरा में थी, वहाँ 90% जो आवेदन थे उनको जमीन मिली, और बाकी देश में जहाँ भी ये सरकारें पूंजीवादी पार्टियों की सरकारें थी वहाँ इम्प्लीमेशन नहीं हुआ। वहाँ 90% एप्लीकेशन थे उनको खारिज कर दिया, जिनको भी 10% को दिया उतना जितना कब्जा था उतना नहीं दिया, जी कानून के अनुसार कहीं भी कार्रवाई नहीं। तो एक पक्ष है कि कानून बने, दूसरा पक्ष है उसका इम्प्लीमेशन हो। भूमि सुधार कानून बन गए थे देश के किसान आंदोलन आज़ादी के आंदोलन के साथ साथ, जो किसान आंदोलन था सीलिंग कानून बन गए, लेकिन राजस्थान जिसमें हम बैठे हुए हैं, मैं पहली दफ़ा राजस्थान की विधानसभा में गया तो 6 लाख एकड़ जमीन घोषित सिंगली सरप्लस थी लेकिन बटी नहीं थी 96 तक। तो आप अंदाज़ा कीजिए, कानून तो बन गया लेकिन इम्प्लीमेशन में 10% भी इम्प्लीमेशन, वही इम्प्लीमेशन हुआ जहाँ किसान का संघर्ष मजबूत था वहाँ तो इम्प्लीमेंट हुआ, लेकिन जहाँ मजबूत नहीं था वहाँ इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो इसलिए देश की संसद में कानून भी बने और कानून का इम्प्लीमेशन भी सही सलामत हो, ये दो चीज़ें। आपके बारे में कई जगह लिखा पढ़ा गया है, जब आप पहली बार जीत के विधानसभा गए तो आप बस से पहुँचे, आपको पहचानने से सिक्योरिटी के लोगों ने मना कर दिया और आप फिर बाद में अपना सर्टिफिकेट दिखाते जाते। इस तरह के माहौल में जहाँ पूंजीपति और पैसे का बोलबाला होता जा रहा है चुनाव में, उसमें वाम जो पार्टियाँ हैं या छोटी पार्टियाँ हैं जो उस तरह की बड़े संसाधनों से लैस नहीं है, उसके लिए चुनाव कितना मुश्किल होता है
और आपको इस तरह के चुनावों में आप क्योंकि लगातार चुनाव लड़े हैं, तो किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और ये चुनावी सुधार की तरफ कोई गुंजाइश दिखती है क्या आपको? ऐसा है कि जहाँ तक मेरे नहीं पहचानने का सवाल है, क्योंकि लोगों के दिमाग में विधायक और सांसद एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पीछे 50-60 लोग होंगे, जय जयकार करने वाले होंगे, और अमराराम वो व्यक्ति है जो जनता के बीच से है। इसलिए लोगों के दिमाग में आप गाय का नाम लेंगे तो गाय का पिक्चर आएगा, भैंस का नाम लेंगे तो भैंस का पिक्चर आएगा, और आप MLA और MP का नाम लेंगे तो वही पिक्चर आएगा कि ऐसे लोग होते हैं, वो MLA और MP होते हैं। और अमराराम वैसा व्यवहार भी नहीं करता। और जहाँ तक पैसे का, निश्चित रूप से हुआ, मैं इसी चुनाव की कह सकता हूँ, मैंने इतने चुनाव, 8 चुनाव लोकसभा के लड़े हैं, 10 चुनाव विधानसभा के लड़े हैं, जितना जनता ने दिया पैसा उतना लगा दिया, और जीत गया तो जी की खाए बाजरी भी की बजाई हाजरी। मैंने जिसने वोट दिया उसकी हाजरी, चाहे मुझे सस्पेंड रहना पड़ा, चाहे जेल में जाना पड़ा, लेकिन मैंने हाजरी बजाई। वो तमाम पूंजीवादी दल उन्हीं कंपनियों के पैसे से लड़ते हैं, इसलिए जीतने के बाद जिसके पैसे से चुनाव लड़ते हैं उसकी हाजरी बजाते हैं, उनके पक्ष में कानून बनाते हैं, और जिसका वोट लेके जाते हैं उसके खिलाफ बनाते हैं, और उसका रिजल्ट ये है। अब आप देखिए, इसमें तन से, मन से, धन से इस लोकसभा क्षेत्र और बाहर के लोगों ने भी मदद की, जितना दिया वो लगाया और जीत हासिल की। मैं समझता हूँ ये तो लोकसभा का चुनाव था, जितना पैसे में ये चुनाव लड़ा है पूंजीवादी पार्टी, एक विधानसभा क्षेत्र में उससे 7 से 8 गुना पैसा लगाती है एक विधानसभा क्षेत्र में, और जितना जनता ने दिया उससे लड़ा है। 8 विधानसभा क्षेत्र हैं, उनमें लोकसभा लड़ करके जीत हासिल की है उतने पैसे से, क्यों? जनता ने खुद ने पैसा दिया, खुद चल करके वोट दिया, इसलिए निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए सुधार होने की बहुत बड़ी गुंजाइश है, और सुधार होगा जब भी आम जनता का कल्याण होगा, इस सिस्टम से नहीं होगा। और चुनाव आयोग तो अभी मोदी का आयोग बना हुआ है, मतलब अब चुनाव होने के बाद करें, मई जून में चुनाव नहीं होना चाहिए तो किसने किया था, मतलब इतना लंबा चुनाव का दौर जो चलाया है वो नरेंद्र मोदी आखिरी जहाँ से लड़ना चाहते थे 7वें चरण में पूरे देश में वो घूमते रहे, वो अपनी मर्जी करते रहे, इतनी शिकायतें हुई, चुनाव आयोग ने एक भी, मतलब अग्निवीर पे तो आप बात नहीं करोगे, अग्निवीर की बात करने वालों को तो आप रोकने की बात करते हो, और जो समाज को धार्मिक आधार, जातीय आधार पर बांटने के लिए खुला देश का प्रधानमंत्री, उसकी शिकायत करते हैं, उस पर हमारा चुनाव आयोग मौन रहता है। तो इससे साफ जाहिर है कि नरेंद्र मोदी की तानाशाह सरकार ने तमाम संवैधानिक संस्थाओं को तहस नहस करके अपने राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि करने की कोशिश 10 साल में की, और उसका जवाब निश्चित रूप से पूर्ण रूप से नहीं लगाया, लेकिन बहुत कुछ जवाब जनता ने मत के माध्यम से देने का काम किया है। इस चुनाव में ही जो आपके सामने थे भाजपा के सुमेधानंद सरस्वती जी, उन्होंने आपके खिलाफ, जैसे आपने कहा ना जाति आधार पर बांटने की कोशिश, आपको भी एक, क्योंकि हम जितना जानते हैं जो आंदोलन के लोगों किसी एक जाति धर्म से बांधा नहीं जा सकता, खासकर जो वामपंथी प्रोग्रेसिव राजनीति से लोग आते हैं, लेकिन आपको भी जाट राजनीति से और जिस बोर्डिंग हाउस में आप रहे हैं उसको जोड़ने की कोशिश की गई, जो वहाँ गुंडे से जोड़ने की कोशिश की गई, तो ये सब चुनावी मुद्दे थे क्या, इसका आप की तरफ से या जनता का क्या रिस्पांस रहा? जो चुनाव में तो दिख रहा है जो आप जीत रहे हैं, लेकिन क्या ये मुद्दे बनते हुए दिख रहे हैं बार बार इस तरह के हमले करने और एक समाज को बांटने, खास जाट आंदोलन को भी, किसान आंदोलन को जाट वर्सेस नॉन जाट करने की कोशिश? वही राजनीति है उनकी, इसलिए निश्चित रूप से मेरे सामने चैलेंज जो उम्मीदवार थे भारतीय जनता पार्टी के 2014 और 2019 में जीते हुए थे, उनसे हमारी लड़ाई नहीं थी। लड़ाई थी नरेंद्र मोदी की उस बांटो लूटो राजनीति राज करो की उस नीति से लड़ाई थी, और मैं समझता हूँ उस लड़ाई में हर संभव कोशिश की उन्होंने, लेकिन हर संभव कोशिश का जवाब, मुंह तोड़ जवाब दिया है। आप देखिए 3 लाख से जीते हुए थे 19 में, उसको पार करके 75,000 के पास जीत हासिल की है, तो वो उन सबको जनता ने नकारा है। वो कुछ भी कहे, मैं समझता हूँ वो जो किसान छात्रावास की बात है, वहाँ संघर्ष के माध्यम से किसान छात्रावास की स्थापना हुई थी, अंग्रेजों के टाइम, राजशाही के टाइम,
और संघर्ष का और शिक्षा का केंद्र रहा है, और बहुत राजनीतिज्ञ, प्रशासनिक, IAS, RAS, डॉक्टर, इंजीनियर इतने निकले हैं उस छात्रावास से, और वो एक छात्रावास है जो सब जातियों के गरीब के बच्चे को आसरा देता है, पढ़ने का मौका देता है, सब जाति सब धर्म के लोग वो उसमें रहे हैं, और बहुत ही मैं फख्र से कह सकता हूँ उस राजनीति का यह कि इतनी सबसे बड़ी कॉलेज होने के बाद कभी भी लड़कियों के छेड़छाड़ का एक भी इंसेंट आपको आज तक, मैं तो 40 साल से देख रहा हूँ, आज तक नहीं मिला। इसलिए निश्चित रूप से वो अपनी जिस से दो से ये 303 पे आए थे, बांटो लूटो राजगिरो, निश्चित रूप से इस चुनाव में भी उन्होंने कोशिश की, लेकिन उसको धत बताने का काम, और ये सिकावटी तो वो है, हमारे सांसद महोदय ने चाहे वो अग्निवीर का सवाल आया, चाहे किसानों के खिलाफ काले कानून का, एक शब्द नहीं बोले, तो उनसे क्या मुकाबला है। जो सिकावटी सबसे ज़्यादा सैनिक देती है, सबसे ज़्यादा शहादत देती है, किसानों में सबसे ज़्यादा अग्रणीय रोल यहाँ का रहता है, उनके खिलाफ काले कानून कृषि के संबंध में जवान के खिलाफ आता है, एक शब्द नहीं बोले, तो उनसे तो क्या, मैं समझता हूँ वो तो मोदी की लॉटरी में आए हुए थे। आखिरी में, क्योंकि आप उस समय जिस तरह की राजनीति होती रही है और जिस तरह से आप आए इस इलाके में, अब दिल्ली सड़क पर संघर्ष करते रहे, तो जब आप संसद जा रहे हैं तो क्या हमें ये उम्मीद रहनी चाहिए जो सड़क पर जिस तरह की बुलंद आवाज़ थी वही आवाज़ संसद में, उससे ज़्यादा मत कर रहा हूँ ना। विधानसभा में मैं जब पहली बार गया था, मैंने कहा जब किसान का कुआं नहीं चलेगा तो राजस्थान की विधानसभा नहीं चलेगी, तो पत्रकारों ने मुझे पूछा कि तो 200 में से आप एक और कैसे विधानसभा को बंद कर दोगे, मैंने कहा विधानसभा चलेगी उस दिन देखना। निश्चित रूप से मैंने बंद किया और 3 महीने के लिए सस्पेंड ही रहा। कर्जा माफ़ी आंदोलन में राजस्थान की 163 की सरकार ने लिखित समझौता किया और मुकर गई। फिर मैंने जयपुर कूच का आह्वान किया तो जयपुर जाते जाते मेरे को गिरफ्तार करके सेंट्रल जेल में डाल दिया, लेकिन वही विधानसभा मेरे को सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार भी देती है और जेल में भी डालती है। इसलिए मैंने कभी भी इस बात की परवाह नहीं की कि मुझे सस्पेंड हो जाएंगे, हमें जेल में डाल देंगे, क्योंकि जो जेल से डरते हैं वो तो सब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इसलिए इस बात की परवाह मैंने कभी नहीं की विद्यार्थी जीवन से लेके आज तक कि मेरे पे झूठे मुकदमे बनाएंगे, जेल में डालेंगे, मारने की कोशिश करेंगे, सब कुछ किया है। मतलब छात्र राजनीति से लेके आज तक उन कंपनियों के प्रस्त जो राजनेता हैं उन्होंने सब कुछ कोशिश की है, लेकिन जनता मेरे साथ थी, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए, जेल में डाला, जेल से बाय बिगर शर्त रात्रि को 12 बजे बाहर निकालना पड़ा। पहला राजस्थान का इतिहास है कि 700, मेरे को ही नहीं किया, तमाम किसानों के लिए लड़ने वाले 700 से ज़्यादा किसान नेताओं को जेल में डाल दिया था वसुंधरा, लेकिन आधी रात को बिगर शर्त पहली बार राजस्थान के इतिहास में छोड़ना पड़ा। तो निश्चित रूप से ये सब कोशिशें की है और करता है, जिस वर्ग पे बहुमत 90% लोगों के लिए लड़ते हैं और 10% का प्रतिनिधित्व करने वालों के पास राज सत्ता है, तो उस मशीनरी का दुरुपयोग करते हैं। और ये तो सबसे बड़ा अभी नरेंद्र मोदी का आप देख रहे हैं, कोई आवाज़ जनता की बनता है तो उस मीडिया पे भी उनको झूठे इल्ज़ाम लगा के किस तरह से जेल में आपके न्यूज क्लिक को भी भेजा है, लेकिन आखिर बाहर आए हैं। तो सच परेशान हो सकता है लेकिन परास्त नहीं हो सकता, मैं समझता हूँ। चाहे मीडिया हो, NDTV को खरीद सकते हैं लेकिन रवीश कुमार को नहीं खरीद सकते। तो ये लोग हैं, उससे भारत जिंदा है, भारत का जनतंत्र जिंदा है, और मैं समझता हूँ ये लड़ाई वर्गों की लड़ाई है, एक तरफ लुटेरे हैं एक तरफ लूटने वाले हैं। लूटने वालों की संख्या 90% है, लूटने वालों की संख्या 10% है। जिस दिन 90% को ये सबको एहसास हो जाएगा लूटने वाले ये हमारे दुश्मन हैं, मैं समझता हूँ उस दिन देश की आज़ादी मिल गई और इस लूट से भी छुटकारा मिल जाएगा। तमाम मतदाताओं को मैं यही विश्वास दिलाता हूँ कि जिस आशा के साथ, जिस विश्वास के साथ आपने मत का दान करके जो मुझे सफलता दी है, मैं आप उन तमाम मतदाताओं को विश्वास दिलाता हूँ कि आपके विश्वास पे खरा उतरने के लिए सड़क से लेके संसद तक अमराराम 8 गुणी ताकत देके 8 विधानसभाओं की भेजी है, तो 8 गुणी ताकत से सड़क से लेकर के संसद तक लड़ने का काम करेंगे और आपकी समस्याओं का समाधान करने की हर संभव अमराराम अपनी जान पे खेल के भी कोशिश करेगा इन समस्याओं का समाधान हो, सरकार कोई हो। मैंने तो
मेरी कोई सरकार नहीं रही है, देश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की तानाशाह सरकार है, उसको झुकाया, इस विश्वास पे अमराराम को मत दिया है, उस पर खरा उतरने का हर संभव कोशिश करेगा। धन्यवाद आपको भी कि आवाज़ निडर होकर के न्यूज क्लिक देश की जनता की लड़ाई में अपना योगदान दे रही है, उसके लिए बहुत बहुत प्रवीण पुरकाश को भी बहुत बहुत मेरा सल्यूट कि उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आखिर में सत्य की जीत हुई। धन्यवाद।